सीधे आपको अपना सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त इन तस्वीरों में। उसी के अंदर ये बेहतरी का काम है, इस तरीके से एक मैसेज दिया जा रहा है कि जो सीएम है, जैसे हमने एक कार्यकर्ता से बात करी, जनता से बात करी थी कि जो सीएम 18-18 घंटे काम कर रहे हैं लगातार राजस्थान की बेहतरी के लिए, मीटिंगें कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उम्मीद यही उन्होंने ये कहा कि यही जताई जा रही है कि इसकी वजह से राजस्थान बेहतर होगा। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि जयपुर एयरपोर्ट के बाहर का ये नजारा है, बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत सत्कार का कार्यक्रम किया जा रहा है और यहाँ पर भी बड़ी तादाद के अंदर कार्यकर्ता मौजूद हैं, ढोल बाजे नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। तो कुल मिला के देखिएगा कि क्या कह सकते हैं कि एक विजेता यही कह सकते हैं कि जब वो लौटता है या किसी बड़े इवेंट के ऊपर कोई लौटता है तो उसका ये जो स्वागत सत्कार किया जाता है वैसा ही स्वागत सत्कार आज देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल जिया, अब एक और जानकारी चाहेंगे आपसे इसी बीच, चूंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच गए हैं जयपुर, उनका स्वागत किया जा रहा है। जिया, जब जापान दौरे पर मुख्यमंत्री रहे, इस दौरान मुख्यमंत्री की मुलाकातें भी हुई खासतौर पर प्रतिनिधिमंडल के साथ, इस दौरान क्या कुछ अब तक सामने आ पाया जिया निवेश के लिहाज से राजस्थान को, क्योंकि आपने भी सवाल किया था कि दावे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो फिर वो अलग होती है, लेकिन क्या अंतर पाया गया जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जापान दौरे पर रहे? देखिए, जापान और कोरिया के दौरे के ऊपर गए लाजमी मानेगा कि जापान और कोरिया आज के वक्त के अंदर ऑटोमोबाइल हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो उसके एक बहुत बड़े हब बन चुके हैं, कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट वहीं पे होता है। और चूंकि अब उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जापान और कोरिया की कई, दक्षिण कोरिया की कई ऐसी कंपनियां हैं जो राजस्थान के अंदर इन्वेस्ट करेंगी, और ये तय मानेगा कि जब ये दो देशों की यात्रा के ऊपर सीएम गए थे, 6 दिवसीय प्रवास था उनका, ठीक है, प्रवास से जब वापस लौटेंगे तो राजस्थान के लिए बहुत बेहतर होगा। अगर जापान और कोरिया की कंपनी, दक्षिण कोरिया की कंपनी राजस्थान में आती है और राजस्थान में आके निवेश करती है तो ये प्रदेश के लिए एक बेहतर संकेत होंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि जापान और कोरिया की कंपनी उसी जगह पे इन्वेस्ट करती है।